तो ये देख लो, ये अपने पुंडी के ब्रेक शू की हालत है। मतलब इससे ऊपर होने चाहिए, जो लाइन हल्की से ऊपर बज रही है इससे ऊपर होने चाहिए, बट ये ना पूरे ही खिस गए हैं। कोई ना, आप लोग भैया को देखते हैं, वो नवे ब्रेक शू भी आ गए हैं। सही बात बताऊं तो उठने का तो मेरा आज सुबह 1% भी मन नहीं था। मतलब कल रात को जितना मैंने ओवर ईट वर्ड यूज करूंगा, मैं वैसे जनरली ओवर ईट करता नहीं हूँ, बट कल रात को जितना ओवर ईट मैंने करा ना भाई, उसके बाद नहीं मन करा उठने का। बड़ी गहरी नींद सोया मैं। एक तो जब तुम इतना जंक फूड कंज्यूम कर लेते हो ना, तब वैसे तुम थोड़े से ज्यादा स्लीपी हो जाते हो। बट ना चाहते हुए भी मेरे को उठना पड़ा, क्योंकि आज अपने को काम बहुत सारे हैं। अपने को अपनी ई बाइक यानी कि पुंडी के ब्रेक पैड भी डलवाने हैं, फिर उसके बाद अपन लोगों ने ऑफिस भी जाना है। सो आज अपने को ठीक ठाक काम है, सो जल्दी उठना बनता भी है। खैर, अभी तो इट्स ऑलमोस्ट 8:18 इन द मॉर्निंग, और 7:45 के करीब मैंने अपना गीज़र ऑन कर दिया था। सो पानी एकदम बढ़िया गर्म हो गया होगा। फटफट चलते हैं, चल के नहाना धोना निपटाते हैं। आज का डायलॉग बोल लिया मैंने ना? नहीं बोला। बट एनीवेज, सो हे गाइस, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, वेलकम है आपको एक बार फिर से मेरी दुनिया में। होप यू ऑल आर डूइंग कल से बहुत 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 ही ज़्यादा बढ़िया। एक बार तुम लोग आप पे ही सोच लो मैं कितना ज़्यादा स्लीपी होऊंगा, जो आज का डायलॉग बोलना भी भूल गया। बट चलो कोई ना, फटफट चलते हैं, चल के अपना नहाना धोना निपटाते हैं। फिर अभी तो खैर निकलने में 10 बजे करीब निकलना है, वहाँ थोड़ा सा टाइम है, पापा के काम भी निपटा लेते हैं, तो चल के नहाना धोना निपटाते हैं अपन लोग। चलो जी, फाइनली अभी जो है अपन लोगों का नहाना धोना तो हो चुका है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अपन लोग सेमी तैयार भी हो लिए हैं। मतलब मैंने टी शर्ट तो ये डाल के जानी है, बस नीचे जीन चेंज करनी है, वो वहाँ पे पड़ी है, वो आराम से बाद में करूँगा। अभी तो आराम से शॉर्ट्स में घूमता, क्योंकि अभी मेरे को भी नहीं आइडिया कितना टाइम लग जाएगा। खैर, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया, नहा धोना तो हो चुका है, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बाहर अपनी ब्रेकफास्ट की भी तैयारी हो रही है। तो फटफट बाहर चलते हैं, बाहर चल के तुम लोगों को दिखाते हैं अपने को ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, क्योंकि मेरे को तो पता लग चुका है क्या मिलेगा, बट तुम लोगों को दिखाना भी इम्पोर्टेंट है ना। तो फटफट बाहर चलते हैं। अभी ना तुम लोगों को ब्रेकफास्ट का एक्सप्लेन करने से पहले एक बहुत ही मस्त चीज़ दिखाता हूँ। वहाँ पे किचन है, वहाँ से मम्मी परौंठा यहाँ पे लेके आए, और यहाँ पे लाके मम्मी ने परौंठा रखा। हुआ क्या, जैसे ही परौंठा रखा ना, परौंठे का घी उछला और देखो केचप में डाल जाके चला गया। अरे जी, तुम स्पॉट्स देख रहे हो ना, घी के स्पॉट्स, और ये अभी बने हैं। खैर, वैसे तो आज इतना हैवी ब्रेकफास्ट करने का प्लान नहीं था, बट हाँ, और कोई बेटर ऑप्शन भी नहीं है। वैसे तो ऑप्शन मेरे पास मक्खन की भी थी, बट फिर नहीं यार, मक्खन खाने का मन नहीं है, ठीक सा ब्रेकफास्ट है। तो बस ये वाला हमारा आज का ब्रेकफास्ट, आलू का परौंठा, दही और साथ में एक केचप, सिंपल, टिकाऊ, सुंदर। फटफट इसको खत्म करते हैं, फिर तुम लोगों को निकलते वक्त मिलते हैं। पता नहीं तुम लोगों ने एक चीज नोट करी होगी या नहीं, बट हाँ, मैंने अपनी टी शर्ट चेंज कर ली, क्योंकि मम्मी पापा के हिसाब से जो मैंने टी शर्ट पहले डाल रखी थी ना, वो इतनी बढ़िया भी नहीं थी, और उसका गला भी थोड़ा सा डल था, और वो मैं डालता हूँ अच्छा भी नहीं लगता। सो ना जाते हुए मेरे को टी शर्ट चेंज करनी पड़ी। खैर, अभी तो इट्स ऑलमोस्ट 10:30 इन द मॉर्निंग, और अपने ब्लॉग लाइव हुए को भी ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है। अब लोग तैयार भी हो लिए निकलने के लिए। सो फटफट चलते हैं, क्योंकि आज का हमारा आज एक शेड्यूल बहुत हेक्टिक है। आज का पहला स्टॉप तो हमारा पुंडी की ब्रेक ठीक कराना है, ब्रेक शू चेंज करवाना है, फिर उसके बाद अपन लोग ऑफिस भी जाना है। सो बहुत काम है। सबसे पहले तो चलते हैं अपन लोग सेक्टर 21 चंडीगढ़, क्योंकि वहीं पे ही पुंडी का शोरूम है, जहाँ से अपन लोगों ने पुंडी ली थी, ब्रेक ठीक करवाते हैं, फिर अपन लोग ऑफिस की तरफ निकलते हैं। सो तुम लोग प्यार से मोंटाज एंजॉय करो सेक्टर 21 चंडीगढ़ तक का, अगर बीच में कोई इंटरेस्टिंग ना हुआ, अदरवाइज बोल लूंगा तुम लोगों के साथ। ऑल राइट गाइस, सो फाइनली अभी जो है अपन लोग A1 के शोरूम तो पहुंच गए हैं, जैसे कि तुम लोगों ने ऑलरेडी देख ही लिया होएगा।
और अभी अपन लोग बैक साइड पे जा रहे हैं, मतलब पापा पुंडी लेके आ रहे हैं, मैं पैदल पैदल बैक साइड पे जा रहा हूँ, क्योंकि क्या ही फायदा। अब तो देखते हैं, अगर पुंडी पे चार्जिंग होगी तभी यहाँ से ऑफिस जाएंगे, अदरवाइज भैया से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहीं पे चार्जिंग पे लगा ले, थोड़ी देर चार्ज हो जाएगी। एक तो अपन लोगों ने इसके ब्रेक शू तो चेंज कराने शू कराने हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट अपन लोगों ने इसकी सर्विस भी करानी है, सो आज अच्छे से सारा काम हो जाएगा, ए टू जेड। ये आगे अपनी पुंडी भी आ गई। तो ये देख लो, ये अपने पुंडी के ब्रेक शूओं की हालत है, मतलब इससे ऊपर होने चाहिए, जो लाइन हल्की से ऊपर बज रही है इससे ऊपर होने चाहिए, बट ये ना पूरे ही खिस गए हैं। कोई ना, आप लोग भैया को देखते हैं, वो नवे ब्रेक शू भी आ गए हैं, बस फटफट लग जाएंगे, फिर आगे का टायर भी एक बार चेक हो जाएगा प्यारे तरीके से। ऑलराइट गाइस, तो चलो जी, फाइनली अभी जो है अपनी बाइक एकदम बढ़िया तरीके से ठीक हो चुकी है, मतलब मैंने चला चलू के भी देख ली, एकदम एवरीथिंग इज जस्ट परफेक्ट। आगे की बेयरिंग चेंज हुई है और दो तीन चीज़ें, मोटर वगैरह, मतलब दो तीन काम हुए, बट हाँ सारे कंप्लीट हो गए। अब अपन लोग जा रहे हैं ऑफिस की तरफ, सो तुम लोगों को अब नेक्स्ट फ्रेम में मिलूंगा, क्योंकि आई हैव नो आइडिया अब का व्लॉग कैसा सा बनेगा, क्योंकि अब हेक्टिक शेड्यूल शुरू हो रहा है, इसलिए अभी तक तो अपन वेले थे बट अब हेक्टिक शेड्यूल है, सो तुम लोगों को बाद में ही मिलूंगा। तो फाइनली अभी जो है अपन लोग ऑफिस से तो फ्री हो लिए हैं, और अभी अपन दोनों का ही अचानक से आइसक्रीम खाने का मन कर, तो पता नहीं किसके घर के बाहर अपने को आइसक्रीम वाले भैया मिले, वो वहीं पीछे को जा रहे हैं, अपन लोग बंदे के घर के बाहर खड़ के आइसक्रीम खा रहे हैं, और अपने को ट्रैक्टर भी नहीं पता खेड़ा है, वो कभी ये शौक कोई अंदर से आए पूछे हेलो क्या कर रहे हो क्या। जैसे मैंने तुम लोगों को बताया ऑफिस से तो फ्री हो लिए हैं, पटपट अपनी आइसक्रीम खत्म करते हैं फिर घर की तरफ निकलते हैं। वैसे भी घर पे गेस्ट भी आ रखे हैं, तो मम्मी ने पकौड़े वगैरह का भी इंतजाम कर रखा है। एक बार बताऊँ, गर्मी इतनी है, भैया ने फ्रीजर से आइसक्रीम निकाल ली और हल्की सी मेल्ट भी होगी, मतलब बैठ लेते हुए ना फील हो रहा है। तो चलो पटपट इसको खत्म करता हूँ, फिर मिलता हूँ तुम लोगों से। भाई साहब, माहौल देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे अपन लोग घर काफ़ी सही टाइम पे आए। ऐसा क्यों? जिस टाइम पे मैं ये शॉट ले रहा हूँ ना, और ये फिर शूट हो रहा है जिस टाइम पे, मेरे को एक्सपेक्टेड था भी इसी टाइम पे अपन लोग घर आएंगे। भाई मेरी इंग्लिश की ऐसी की तैसी फिर गई, क्योंकि आज का शेड्यूल इतना ज़्यादा हेक्टिक था ना, इतना ज़्यादा कहने की कोई हद नहीं, मतलब पहले पुंडी ठीक कराई, फिर ऑफिस गए, फिर अपन लोगों ने आइसक्रीम खाई, काम तो बहुत था आज अपने को, बट हाँ एट द एंड अपन लोग सही टाइम पे घर आ गए, एंड इट्स ऑलमोस्ट 5:30 इन द इवनिंग, और बाहर देखो झमाझम बारिश हो रही है। खैर, वैसे तो मेरे घर पे कजन जा रखे हैं जो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं, और अपना बहुत जगहों पे जाने का प्लान था, बट हाँ बारिश करके अभी के लिए तो प्लान पॉज है थोड़ा सा, शायद से बाद में कंटिन्यू करें। बट भाई सही बात बताऊँ, थक गया, और आते हुए तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ, पुंडी इतनी ज्यादा स्मूथ चली, इतनी ज्यादा स्मूथ, मतलब अभी पुंडी में चार्जिंग है नॉट टू द ग्रेट एक्सटेंट, बट हाँ इतनी तो है भी, मैं मार्केट जाके कुछ ना कुछ सामान लेके आ सकता हूँ, मतलब 4 किलोमीटर अभी पुंडी और चल सकती है एक जने को बिठा के। बट चलो कोई ना, अभी बारिश करके आप लोग कहीं जा तो सकते ही नहीं, तो चुपचाप बारिश इंजॉय करते हैं, थोड़ी देर बाहर बैठते हैं, चिल मारते हैं, छत पे भी नहीं जा सकते, नहीं तो अपन सारे कजिन छत पे ही चलते, बस क्या ही कर सकते हैं। अभी तो जो ट्राइपॉड अपन लोग बाहर लेके आए हैं बड़े वाले, इसको पैक करते हैं, फिर पता चले बारिश में ये भी खराब हो जाए हमारा। ये वाला ट्राइपॉड ना वैसे मेरी वन ऑफ द बेस्ट परचेज है, मतलब मेरा मैंने कॉम्बो लिया था उसका, ट्राइपॉड और रिंग लाइट का। रिंग लाइट तो नहीं खैर इतनी काम आती, बट ट्राइपॉड तो बड़ा काम आता, और बड़ा बढ़िया ट्राइपॉड है देखो, मतलब मैं आराम से इसको कहीं भी ट्रैवल करते हुए लेके जा सकता हूँ गाड़ी में, तो हाँ ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट परचेजेस ऑफ माई ब्लॉगिंग करियर है, और बाहर बारिश और तेज होगी।
पता नहीं क्यों रोज इस टाइम पे आके ना बड़ी गंदी थकावट होती है, बड़ी मतलब बहुत ज्यादा, मतलब एकदम ना डेडी सीन हो जाता है। खैर अभी तो इट्स ऑलमोस्ट 7 PM और अभी बाहर देखो पिंक पिंक मौसम हो रखा है, हमारी गाले भी पिंक हो रखे हैं इस मौसम करके। और सही बात बताऊं तो थक गया मैं बहुत, मतलब बहुत ही ज्यादा। तो अब इस व्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ेगा, कहीं अपन लोग घूमने नहीं गए, कोई कुछ नहीं करा, चुपचाप घर पे बैठे रहे क्योंकि कुछ था ही नहीं यार करने को। तो अब ऑलमोस्ट शाम के 7 बज चुके हैं, 7:15, 7:30 हो चुके हैं, पता नहीं है, मैंने टाइम भी नहीं देखा, टाइम का हिसाब ही नहीं रहा। अब मैं बस दिखाने कुछ नहीं बचा, आप लोगों को बस देखने कुछ नहीं बचा। तो इसी नोट पर करता आज वीडियो को एंड। होप करता है तुम लोगों को आज वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कल फिर मिलेंगे एक नई जर्नी, एक नई एडवेंचर, एक नई एक्सपीरियंस के साथ। टिल देन बाय बाय, पीस आउट, लव यू। और मेरी ना भी सिंक्रोनाइजेशन नहीं थी जूम इन जूम आउट के साथ, तो इतना बेकार हुआ, अदरवाइज बड़ा प्यारा होता। कोई नहीं, कल कर लेंगे, क्या जा रहा है।